दोस्तों आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक से एक इंटरव्यू देखा होगा। इंटरव्यू में कौन कब क्या बोल जाए कोई नहीं जानता, और ऐसे ऐसे महान लोगों को देखकर बस यही बोलने का मन करता है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। और जब ऐसे महान लोग पाकिस्तान के हो फिर तो क्या ही कहना, तब तो भैया बात का बतंगड़ होना तो पक्का है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कई नमूने का इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे। ये सेकेंड पार्ट है, अगर पार्ट वन भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, चलो चलो। दोस्तों सबसे पहले मिलिए इस महाशय से। इस वीडियो में रिपोर्टर चंद्रयान 3 के बारे में जब एक शख्स से पूछता है कि भारत को चांद्र पर चंद्रयान 3 भेज रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब ये शख्स क्या कहता है आप ही सुनिए। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी? इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। इस भाई ने तो हाई लेवल रोस्टिंग कर डाली। इससे पहले भी पानी को लेकर एक पाकिस्तानी आंटी का 8-10 साल पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कुछ ऐसा कहते नजर आ रही थी। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसे गांव धोने के लिए पानी नहीं है। अरे बाबा। दोस्तों अभी जनाब से मिलिए, इनकी बातें सुनकर तो आप पेट पकड़कर हंसने वाले हैं। यह रिपोर्टर मोहतरमा जब इस जनाब से पूछती है कि आप लाहौर रहने आए हैं या घूमने आए हैं, तब यह भाई साहब कहते हैं कि घूमने आए हैं। उसके बाद जब रिपोर्टर पूछती है कि आपकी शादी हुई है, तब सुनिए यह जनाब क्या कहते हैं। यहाँ लाहौर घूमने आए हैं कि रहती लाहौर है? नहीं नहीं, घूमने आए हैं। घूमने आए हैं जी। तो कैसा लग रहा है लाहौर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। आपकी शादी हुई है जी? कितनी हुई है? 4। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम, हे नाम, हे भगवान, नहीं चाहता, तड़प ही ऐसी है ना। कितने आराम से कर रहे हैं? 4। वैसे खान भाई इतनी शादियां करते क्यों? बस दूसरा काम अमुक लोगों को नहीं है ना। खान भाई को दूसरा काम और कोई? हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। सही कहा भाई साहब ने, बच्चे पैदा करने के अलावा कौन सा काम ही है, 4 बीवी 18 बच्चे, वाह जनाब वाह। इतना ही नहीं, अभी और सुनते जाइए। 4 शादियां 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, समस्या नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक एक ही घर में रहती है जी जी, एक तो... समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। नहीं मतलब कैसे आपने शेड्यूल बनाया हुआ कोई? जी जी, शेड्यूल। शेड्यूल अपना शेयर करें जरा हमारे साथ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। शेड्यूल तो यही शेड्यूल है, बस हर किसी का एक एक दिन है। हर किसी का एक एक दिन जी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। क्या आदमी है भाई ये, शेड्यूल भी बना रखा है कि किसको कितना प्यार करना है। जनाब आपकी इस हरकत के वजह से शायद ही आपको जन्नत नसीब हो। इन्हें देखकर बस इतना ही कहने का मन कर रहा है कि चलो एटलीस्ट पाकिस्तान किसी चीज में आगे तो है। दोस्तों अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। जब ये रिपोर्टर इस लड़के से पूछती है कि क्या करने का मन है लाइफ में, तब तो यह बच्चा बोलता है कि बिजनेसमैन। पर जब रिपोर्टर पूछती है किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो, तब यह लड़का जो बोलता है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सोचे इस अफ्तर ने बनने का लाइफ में? लाइफ में बनने का बिजनेसमैन। बिजनेस कौन सा बिजनेस करोगे? हाँ, लड़कियों का। शाबाश बेटा। दोस्तों अब इनसे मिलिए। ये पाकिस्तानी भाई साहब कुछ अलग ही टाइप के हैं, जिनका स्टाइल तो लड़कियों की तरह है और बोलने का तरीका भी। ऊपर से रिपोर्टर मोहतरमा अपने अलग ही एटीट्यूड में है। जब ये इन भाई साहब से पूछती है कि इंडिया कैसा लगता है, तब इनका जवाब सुनिए। अच्छा, इंडिया कैसा लगता है? ओह माय गॉड, माय गॉड, नो मोदी, नहीं पसंद इंडिया। इंडिया के लोग भी अच्छे लगते हैं आप?
लड़कियाँ अच्छी लगती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सही कहा भाई साहब ने, वैसे भी लड़कियों को लड़कियाँ ही पसंद आएगी। दोस्तों कभी कभी जवाब देने वाले तो कमाल के जवाब दे ही देते हैं, पर ये रिपोर्टर भी किसी से कम नहीं होते। अब इन जनाब को ही देख लीजिए जो इन दो महिलाओं से ये पूछ रहे हैं कि लड़कियों की वो कौन सी चीज है जो नहाते समय नहीं भीगती। खैर चलिए अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। आप हमें ये बताएं कि लड़की की वैसी कौन सी चीज है जो नहाते वक्त गीली नहीं होती। नेल्स गीले होते हैं। सब कुछ गीला होता है। फिर कौन सी है? बाल भी गीले होते हैं। सब कुछ गीला होता है। सब कुछ गीला होता है लेकिन एक ऐसी चीज है जो गीली नहीं होती। अंदर जो रेटिना होता है वो नहीं गीला होता। क्यों? वो जो ब्लैक डेला होता है उसको। हाँ नहाते वक्त पानी जाता है। गुस्सा लड़की का। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी दीदी। अब क्या ही कहे, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग मजाक भी अच्छा कर लेते हैं, या शायद यूं कहें कि गाजा फूंक कर बात करते हैं। यह मैं नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बोलिएगा। यह रिपोर्टर जब इन मोहतरमा से पूछती है कि पाकिस्तान भारत से किन चीज में आगे है, तो इन मोहतरमा का जवाब तो सुनिए। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है, अगर रिसेंटली बात की जाए तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम बहुत आगे चली गई है। अच्छा। सेकेंडली आर्मी, द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामास, हर मुल्क तारीफ करता है पाकिस्तानी ड्रामास की। उस तरह के ड्रामास कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं बना पा रही अभी तक। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और थर्डली पाकिस्तानी फ्लैग जो कि वहाँ पे है वाघा बॉर्डर में, वो सबसे बड़ा फ्लैग है और आज तक उतना बड़ा फ्लैग कोई भी नहीं बना पाया। और हमारा लीडर जो लीडर था इमरान खान साहब okay. वैसा मतलब इस्लामिक ममालिक में अभी तक कोई लीडर नहीं आ पाया। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। शायद यह मोहतरमा इस दुनिया में रहती ही नहीं है। वैसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो बोलना है आप इन्हें कमेंट में खुद बोलिए। अब इस वीडियो को ही देखिए, यह चाचा उम्र में तो बड़े हो गए हैं पर जीद वही बचपन वाली है। रिपोर्टर जब इनसे पूछता है कि कश्मीर को क्यों पाकिस्तान में शामिल करना चाहिए, तब यह चाचा कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना चाहिए। अरे बाबा। तो इन चाचा का जवाब हम क्या दे, ये तो रिपोर्टर भाई साहब ही दे देते हैं। उसके बाद जो होता है आप खुद ही देखिए। कोई हमसे पूछ ही लेता है, कोई इंडियन पूछ लेता है कि कश्मीर क्यों पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, मुसलमान भाई है, हमारा उनसे मुसलमान कलमे का तल्लक है। ऐसे तो इंडिया के और भी बड़े हिस्से हैं जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए? नहीं ये बात नहीं है, वो पाकिस्तान की धड़कन है कश्मीर। रीजन बताएं ना धड़कन से। ऐसे तो मैं कह दूं जी दिल्ली मुझे बहुत पसंद है तो दिल्ली पाकिस्तान का होना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगा? नहीं कश्मीरियों से मोहब्बत है हमें इन लोगों से। कोई कह रहा हूं ऐसे तो दिल्ली वालों से अगर मुझे मोहब्बत, या कल को कोई हमारा वजीर आजम उठ के कह दे कि मुझे दिल्ली के लोगों से बड़ी मोहब्बत है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दिल्ली भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोगों पूरी आवाम को मोहब्बत है उनसे। कौन है ये लोग? चूतिए हैं। वाह चाचा वाह, आप तो बहुत जिद्दी निकले बे, पर आपकी बात से ये तो कंफर्म हो गए कि कश्मीर सही हाथों में है। दोस्तों इस वीडियो में इन स्टूडेंट ने मिलकर इन रिपोर्टर मोहतरमा को ऐसा जवाब दिया कि शायद ये दोबारा ऐसा किसी से नहीं पूछेगी। यह मोहतरमा पहले लड़के से पूछती है कि आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, तब इस लड़के का सेवेज रिप्लाई सुनिए। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले तो आप बताएं कि शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए आपको? शादी के लिए हमें लड़की चाहिए। वाह अच्छा।
एनिवर्सरी मेरे को पसंद नहीं आई है। दोस्तों कुछ लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने का कुछ ज्यादा ही शौक रहता है। इस वीडियो में देखिए कैसे जब ये रिपोर्टर भाई साहब इस लड़की से पूछते हैं कि लड़के दाढ़ी में ज्यादा अच्छे लगते हैं या बिना दाढ़ी के, तब तो लड़की कहती है दाढ़ी के। फिर कुछ देर बाद लड़के का सेवेज रिप्लाई सुनिए। जो लड़के होते हैं क्या वो दाढ़ी में ज्यादा अच्छे लगते हैं या वो दाढ़ी के बगैर अच्छे? दाढ़ी में अच्छे लगते हैं। दाढ़ी के बगैर कैसे लगते हैं? दाढ़ी के बगैर आपके जैसे आपको कुछ क्या है, आपका मेरे फोन ही जैसा मुंह है, मैंने कुछ नहीं। अब इन भाई साहब से मिलिए। इनसे ये रिपोर्टर मोहतरमा जब पूछती है कि उम्र तो काफी हो गई है, शेरी पालना है या फिर शादी भी करनी है, तब ये जो जवाब देते हैं वो शायद ही आपने सोचा होगा। 22 साल की उम्र ही होगी, शेर ही पालना है या कुछ शादी शुदी भी करनी है? शादी होगी आप? नहीं शादी नहीं हुई। इस चीज से पाल ली है पहले? बच्चे पहले ही पाल ली है और शादी के नाम से डर लगता है। शेर को शेरों से डर नहीं लगता, शादी के नाम से डर लगता। वैसे सही कहा भाई ने, शादी से सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया का हर आदमी डरता है। शेर को तो काबू में कर लेंगे पर बीबी को काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा। दोस्तों पाकिस्तानी लोग बहुत बिजी होते हैं क्योंकि इनसे जरूरी काम तो दुनिया में कोई करता ही नहीं है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ रिपोर्टर के साथ साथ इस इंटरव्यू देने वाले का दिमाग भी इस बछड़े के साथ घास सबने चला गया है। हम इसको लाली लगाएंगे इसके। अच्छा सी कोई डिमांड भी है कि मतलब मैं प्यारी लगूं? ये बड़े नखरे करती है, ये जब भी आती है कहती है मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, मेरी ये करती है, ज्यादा रेड है, पिंक है, लाइट है, ये बड़े नखरे करती है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। दोस्तों अब जो वीडियो आप देखने वाले हो उसे देखकर शायद आपको तसल्ली मिल जाए कि पाकिस्तान में कोई तो ऐसा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुझे उधर से क्यों आए, क्यों तुम आप इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? अब जैसा कि भाई साहब को समझ आ गया है तभी तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत फिर से खुद में मिला ले। आप खुद ही सुन लीजिए। वो मिशन खान का लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम खुद हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फर्क आ गया, कैसे आ गया? मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापिस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया, इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापिस दे दें, ऐसे ही है वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है, हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। इमोशनल डैम इट। दोस्तों अगर आपसे कोई पाकिस्तानी जनाब ये आकर बोले कि पाकिस्तान भारत से काफी आगे है तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या नहीं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। अब आपको जो कहना है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। यार चांद पे जाके उसने कोई जो ना झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में जो ना जेएफ थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं? अच्छा, वो जो ना अपनी दुबई जरूरियात का सामान खरीद रहा है, चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ सिर्फ एक दिन में, उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा, 600-700 करोड़ का उनका ये बोला। इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं, आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाई हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। दो
दोस्तों कुछ लोग लड़की पटाने में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि इस भाई साहब को ही देख लीजिए। जब इनसे रिपोर्टर मोहतरमा पूछती है कि प्यार कभी हुआ है, तब यह भाई साहब कहते हैं हुआ है ना, कई दफा हुआ है। उसके बाद यह भाई जो बोलते हैं उसका क्या ही कहना, सुनिए इनको। अच्छा, आपको प्यार हुआ है जिंदगी में? काफी दफा हुआ है। काफी दफा? एक ही लड़की से या? मुझे आज भी हो रहा है। अच्छा, आज भी हो रहा है? आज किससे हो रहा है? बस जो सामने हो, हो जाता है। मेरी बात हो रही है, मुझे बताएं कैसी लड़की चाहिए? लड़की ग्रीन कपड़े में हो, ड्रेस में हो। बहुत खराब लड़का है। यूट्यूबर होना चाहिए ना? यूट्यूबर होनी चाहिए। ओ, ए, हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। दोस्तों क्या आपको पाकिस्तान की एक खास बात पता है? नहीं। आपको बता दे कि पाकिस्तान दूसरों की इज्जत करने में बहुत आगे है। आप यह वीडियो देखिए, खुद समझ जाएंगे। प्लीज ट्राई लेटर। इस वक्त गुरसोफी स्टीवी के ऊपर मौजूद है। गुरसोफी बहुत अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। यह क्या चोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज? कमीज तो पहनी हुई है। दोस्तों शादी हो जाने का दर्द किस कदर फैला है, यह जनाब इस वीडियो में आपको बखूबी बता रहे हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पहले इन भाई साहब का दुख सुनिए। हम ही पछता रहे हैं। बिल्कुल हम जिस तरह कहते ना कि गुलाम बने हुए, रन मुरीद बने हुए, बिल्कुल भाई हमें मार डाले फिर भी हम उफ नहीं करते। ये आजकल के मर्दों का हुआ है, जानू क्या किधर हो, फलाना हो, खाक जानू किधर हो, बर्बाद हुए हम। ले शादी से पहले हमारी जिंदगी बहुत बेहतर थी। आजाद पंछी? आजाद पंछी क्या, चीता था मैं, चीता। अब तो गिद्ध से भी खतरनाक हालत। गिद्ध तो बहुत, वो फिर भी स्ट्रॉन्ग भाई जान, हमें जीने ही नहीं देते। जानू किधर हो आप? दोस्तों क्या आपको पता है हमारा भारत काफी डेंजर हो चुका है? आए? नहीं नहीं, यह मैं नहीं बल्कि यह मोहतरमा कर रही है, सुनिए जरा इनको। के जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। अब आए ना लाइन पे। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। प्यारी समझ गई। दोस्तों इस मोहतरमा ने तो पाकिस्तान की पोल खोल दी। जब ये रिपोर्टर पूछती है कि पाकिस्तान और भारत में जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा, तब इन मोहतरमा का जवाब सुनिए। इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। बात तो सही है। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तू क्या बोल रही है? आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंडिया या किसी भी मुल्क के साथ जंग कर सके? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कमाल के फनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे भी जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।